प्रधानमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आडवाणी शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए अलंकरण समारोह में शामिल नहीं हो सके। जब फरवरी 2024 में आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला किया गया तो उन्होंने इस पर खुशी जताई। आडवाणी ने कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। ये न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है, जिनकी मैंने पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की थी। आडवाणी ने कहा कि मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर अपनी प्रिय दिवंगत पत्नी कमला के प्रति भी अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। वो मेरे जीवन में शक्ति और स्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत रही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की कि हमारा महान देश महानता और गौरव के शिखर पर प्रगति करे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 2011 में पहले सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में उसके योगदान को देखते हुए भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया। अब भारत रत्न के पाने के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया। भारत रत्न हासिल करने वाले किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। पर राष्ट्रपति ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में चार शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन शामिल थे। चारों शख्सियतों के परिजन ने राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान हासिल किया।